एसबीएस न्यूज। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 24 मई दिन गुरुवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुज कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस कमेटी का धरना प्रदर्शन डीजल व पेट्रोल की बेतहाशा मूल्य वृद्धि के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय में प्रातः 11 बजे किया गया। जिले में भारी संख्या में आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए तत्कालीन भाजपा सरकार के केंद्र व राज्य की असफल नीतियों के कारण देश में बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ भारत की एकता अखंडता और लोकतंत्र को जाति से जातियों को आपस में लड़ाकर देश को आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में कमजोर करने का आरोप वर्तमान केंद्र व राज्य सरकार पर लगाते हुए राष्ट्रपति को जिलाधिकारी बलरामपुर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन में पूर्व विधायक अशफाक अहमद, वरिष्ठ कांग्रेसी सईद लशानी, AICC सुरेंद्र गौतम, जिला मीडिया प्रभारी विशाल श्रीवास्तव, PCC पंकज गुप्ता, जिला महासचिव प्रतीक मिश्र, विनय मिश्र, शहर अध्यक्ष प्रशांत पांडे, विकास सिंह, शुभम श्रीवास्तव, आसिफ रजा खान, मोहसिन रजा, हनीफ मास्टर, अमरीका प्रसाद, दीपांकर सिंह, रुपेंद्र त्रिपाठी, आशीष कौशल, अभिजीत आदि सहित भारी तादाद में कांग्रेस जनों ने सम्मिलित होकर धरना प्रदर्शन को सफल बनाया और भाजपा की असफल नीतियों पर प्रकाश डाला। धरना प्रदर्शन का संचालन डॉक्टर पंकज गुप्ता तथा आभार शैलेंद्र सिंह ने व्यक्त किया।